मक्की के ढोकले बनाने के लिए हमें ये 200 ग्राम मक्की का आटा लिया है, सफेद मक्की का आटा, ये मिल जाता है आसानी से। पापड़ खार, नमक, थोड़ी मिर्ची भी डलेगी, साबुत धनिया, चने की दाल, और ये लहसुन और हरी मिर्ची मैंने बारीक पीस के रख ली है, और साथ में थोड़ा मोयन डलेगा। बाकी छौंक के लिए राई, कड़ी पत्ता, प्याज और हरी मिर्ची, ये बाद में हम लगाएंगे। तो इसको गूंदने के लिए हमें पानी भी गर्म चाहिए, गुनगुना, ताकि सॉफ्ट बन सके। अब इसमें हम एक छोटी चम्मच नमक डालेंगे, और जितना नमक डाला है पापड़ खार उससे थोड़ा ज़्यादा डलता है, ये इजीली मिलता है जो पापड़ वाली शॉप होती हैं, पापड़ वाली शॉप पे मिल जाएगा आपको। ये लाल मिर्ची, साबुत धनिया, ये चने की दाल भी हमें थोड़ी ही डालनी है, और ये हरी मिर्ची और लहसुन, ये आप अपने स्वाद के मुताबिक डाल सकते हैं जितना आप लाइक करें। साथ ही एक बड़ा चम्मच ये वाला मोयन, इसमें ज़्यादा नहीं मोयन डालेगा। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे के जैसे ही गूंदना है, जैसे हम चपाती बनाते हैं। और जो हमने पापड़ खार डाला है उसकी वजह से इसे रख नहीं सकते ज़्यादा देर। डो तैयार हो गया है हमारा, अब इसको हम 3 पेड़ियों में ले लेंगे, इसको रख नहीं सकते इसलिए साथ ही इसके पेड़ी बनाएंगे हम, क्योंकि जो पापड़ खार डाला है तो उससे ज़्यादा ही फूल जाएगा। ऐसे बीच में थोड़ा होल कर देंगे, और साथ ही उधर गर्म पानी करेंगे, गैस ऑन करके स्टीम देनी है, ये स्टीम से सिकेंगे। थोड़ा पानी डाल के पतीले में छलनी वाला ये रख, ताकि भाप से अच्छे से सिक जाए, होल कर दिया ताकि अच्छे से सिक जाए। ये पानी तैयार है, इसमें हम आराम से रख देंगे गैस स्लो। ढोकले को हम बाहर निकाल के रखेंगे, अब बिल्कुल ऐसे कट रहे हैं, सिक गए हैं पूरे अच्छे से। अब इनको हम छौंक लगाएंगे, थोड़ा ऑयल डालेंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाए, छोटी चम्मच राई डालेंगे, साथ ही कड़ी पत्ता, और प्याज, इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे। हम हरी मिर्ची डाल देंगे, इसको भी हल्का सा चला लेंगे। अब इसमें ऊपर से मसाले कोई नहीं डालेंगे हम, क्योंकि हमने सारा आटे में डाल दिए थे, तो वो सब मिक्स हो गए हैं, उसी का ही फ्लेवर आएगा बड़ा अच्छा। हरी मिर्ची जरूर डाली है, फिर थोड़ा करारा अच्छा लगता है। हल्का सा पानी डालेंगे ताकि वो मिक्स हो जाए, क्योंकि ये ड्राई होते हैं, तो इसको जैसे थोड़ा पानी डाला है ताकि मसाला इसके ऊपर। स्टीम से बहुत अच्छे बन रहे हैं, ये गैस बंद कर रही है। ये सर्व करने के लिए तैयार हैं, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, आप भी बना के देखिए। ये जो मसाले डाले हैं ना, उनकी अलग ही महक आ रही है, लहसुन की अपनी ही उसमें आती है जो हमने आटे में डाल दिया था, तो ऊपर से डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है।
थोड़े कुरकुरे भी बन रहे हैं और सॉफ्ट भी हैं। अब ये हमारा ढोकला तैयार है। इसको चटनी के साथ भी सर्व किया जा सकता है और राजस्थान में तो शायद दाल के साथ ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो लेकिन हम चटनी से इंजॉय करेंगे इसको। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।